भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है, उन्हें ठगा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल पुराने ही रेट पर खरीद रही है, खरीदी केंद्र में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जिससे किसानों में आक्रोश है। खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। SMS जो किसानों को किए गए हैं, जब किसान खरीदी केंद्र पर अपनी फसल लेकर जा रहा है तो बात करते कि भोपाल से सर्वर डाउन हो गया है। सरकार जानबूझकर ये प्रयास करी कि किसानों के कम गेहूं की खरीदी हमको करना पड़े, ये एक षड्यंत्र किसानों के साथ हो रहा है। मैं पिछले 8 दिन में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जो किसानों के साथ एक बड़ा छलावा किया है, इस सब बातों को लेकर के मध्य किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, और ये सरकार का जो रवैया है ये किसानों के लिए घोर निंदनीय है। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।